हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजन सिप्पी सर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताएंगे। राजन सिप्पी ने 1971 में आई मूवी मेरे अपने से अपने प्रोड्यूसर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर गुलजार साहब थे। इस मूवी के लीड कास्ट में मीना कुमारी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और डैनी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी अबाउ एवरेज रही। 1972 में डायरेक्टर गुलजार साहब की मूवी आई कोशिश। इस मूवी के प्रोड्यूसर राजन सिप्पी थे। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, जया भादुरी और ओम शिवपुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1973 में डायरेक्टर गुलजार साहब की मूवी आई अचानक। इस मूवी के प्रोड्यूसर राजन सिप्पी थे। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, लीली चक्रवर्ती और असरानी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1977 में राजन सिप्पी की मूवी आई इंकार। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, विद्या सेना और श्रीराम लागू शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,10,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,90,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,80,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1981 में राजन सिप्पी की मूवी आई जोश। इस मूवी के लीड कास्ट में राज किरण, अनिल धवन, विद्या सेना और शक्ति कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1982 में राज एन सिप्पी की मूवी आई सत्ते पे सत्ता। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रंजीता कौर, अमजद खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,20,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,25,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,18,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1983 में डायरेक्टर बालू महेंद्र की मूवी आई सदमा। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे राजन सिप्पी। इस मूवी के लीड कास्ट में कमल हसन, श्रीदेवी और गुलशन ग्रोवर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राजन सिप्पी की मूवी आई कयामत। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अमिताभ पटेल, जया प्रदा और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1984 में राजन सिप्पी की मूवी आई बॉक्सर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, शरद सक्सेना और डैनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,40,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,55,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,50,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल राजन सिप्पी की मूवी आई बाजी। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, रेखा, मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता कौर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,90,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,90,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,28,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल राजन सिप्पी की 10वीं मूवी आई अंदर बाहर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, जैकी शराफ और गुलशन ग्रोवर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1985 में राजन सिप्पी की मूवी आई चितमगर। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, परवीन बॉबी और पूनम ढिल्लन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राजन सिप्पी की एक और मूवी आई सिवा का इंसाफ। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी शराफ, पूनम ढिल्लन, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1986 में राजन सिप्पी की मूवी आई जीवा। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, मंदाकिनी, अमजद खान, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,40,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,60,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,25,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1987 में राजन सिप्पी की मूवी आई लोहा। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, मंदाकिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और करण कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,05,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,06,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल राजन सिप्पी की मूवी आई सत्यमेव जयते। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, माधुरी, अनीता राज, असरानी और अनुपम खेर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही।
1989 में राजन सिप्पी की मूवी आई शहजादे। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, किमी काटगर, डिंपल कपाड़िया और जया प्रदा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। इसी साल राजन सिप्पी की मूवी आई महादेव। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, राज बब्बर, मीनाक्षी, शक्ति कपूर और अनुपम खेर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1990 में राजन सिप्पी की मूवी आई थानेदार। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, जितेंद्र, जया प्रदा और माधुरी दीक्षित शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 4,75,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,15,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल राजन सिप्पी की मूवी आई काली गंगा। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, डिंपल कपाड़िया, सुरेश ओबेरॉय, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। 1991 में राजन सिप्पी की मूवी आई सौगंध। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार और शांति प्रिया शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,90,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,40,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राजन सिप्पी की मूवी आई कुर्बानी रंग लाएगी। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, पूनम ढिल्लों, पद्मनी कोल्हापुरी और शक्ति कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1992 में राजन सिप्पी की मूवी आई मिस्टर ब्राउन। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, शिवा, पंकज धीर और रुचिका पांडे शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। 1993 में राजन सिप्पी की मूवी आई परदेसी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, बरसा, शक्ति कपूर और सुरेश ओबेरॉय शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1994 में राजन सिप्पी की मूवी आई अमानत। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, अक्षय कुमार, हीरा, कंचन और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,85,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,08,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,48,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल राजन सिप्पी की मूवी आई इक्का पे इक्का। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, शांति प्रिया, चांदनी और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 78,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,35,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1995 में राजन सिप्पी की मूवी आई पांडव। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, नंदिनी और पृथ्वी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,73,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,91,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राजन सिप्पी की एक और मूवी आई निशाना। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रेखा और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,81,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,54,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1996 में राजन सिप्पी की मूवी आई लालची। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल धवन, अवतार गिल और रोहित रॉय शामिल थे। इस मूवी का बजट 40,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,00,000 हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1997 में राजन सिप्पी की मूवी आई कोई किसी से कम नहीं। इस मूवी के लीड कास्ट में शालिनी कपूर, रवि किशन और रोहित रॉय शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,06,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,83,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1998 में राजन सिप्पी की मूवी आई 2001। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी शराफ, डिंपल कपाड़िया, तब्बू और रजत वेदी शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,54,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,47,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राजन सिप्पी की मूवी आई कुदरत। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय खन्ना, उर्मिला और अरुणा ईरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,29,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,54,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2001 में राजन सिप्पी की मूवी आई जहरीला। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, करिश्मा शाह और ओमपुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रहा।
भारत में कमाई 86 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,49,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2004 में राजन सिप्पी की मूवी आई वो। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रांशु चटर्जी, शहबाज खान और नवाब शाह शामिल थे। इस मूवी का बजट 90 लाख रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 77 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2008 में राजन सिप्पी की मूवी आई जिम्मी। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय चक्रवर्ती और राहुल देव शामिल थे। इस मूवी का बजट 9 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1,86,00,000 हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2011 में राजन सिप्पी की मूवी आई द मर्डरर। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय चक्रवर्ती, सिमरन और रजा मुराद शामिल थे। इस मूवी का बजट 4 करोड़ रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 60 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। और यही अब तक की रिलीज होने वाली राजन सिप्पी सर की आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आज हमने आपको राजन सिप्पी सर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको राजन सिप्पी सर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए, कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज दोस्तों।